अब देखेंगे 13 जिले की 30 खबरें, खबरें उत्तराखंड से। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर आज से सुनवाई होने वाली है। आज क्रोन फेस को लेकर अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे केंद्र की राय को। विधायक भीमलाल आर्य की सदस्यता रद्द नहीं करने के स्पीकर के फैसले को भाजपा हाईकोर्ट में चुनौती देगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने की 9 बागी विधायकों और भीमलाल आर्य के मामले में जो दोहरा रवैया स्पीकर कुजवाल साहब ने अपनाया, उससे बीजेपी संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। समाचार प्लस पर बैन लगाने की धमकी देने के बाद कांग्रेस के बागी विधायक सुबोध उनियाल ने कहा कि कांग्रेस अब तानाशाही पर आमादा है। उन्होंने कहा कि मीडिया की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। हरीश रावत द्वारा सिंह को सही बताने पर बीजेपी के कोषाध्यक्ष आशीष गुप्ता ने कहा कि हरीश रावत अभी तक कुंभकर्णी नींद में सोए हुए थे, जो एक महीने बाद याद आ रही है कि मैं स्टिंग में था। उन्होंने जनता की कमाई की जमकर लूटपाट की है। आईपीएस केवल खुराना पर उधम सिंह नगर के दिनेशपुर थाने में दर्ज करवाई गई एफआईआर को राज्य मानवाधिकार आयोग ने रद्द कर दिया है। साथ ही प्रमुख सचिव गृह एसएसपी उधम सिंह नगर और रिटायर्ड डीजीपी वीएस सिद्धू को नोटिस भेजकर 17 मई तक जवाब मांगा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने वनाग्नि की घटनाओं के लिए पूर्ववर्ती हरीश रावत सरकार को जिम्मेदार ठहराया। अजय भट्ट ने कहा कि समय रहते जंगलों में अगर फायर लाइन नहीं खींची गई, जिससे वनों में आग की घटनाएं और ज्यादा बढ़ जा रही है। उत्तराखंड में लगी जंगलों की आग को लेकर अजय भट्ट ने हरीश रावत पर निशाना साधा। बोले, जंगल की आग पर आज तक इतनी तेजी से काबू नहीं पाया गया, केंद्र सरकार ने बेहद तेजी से काम किया है। रावत जी की सरकार थी, 3 महीने से आग लग रही थी, उसको बेर बेर हम उनकी संज्ञान में लाए सरकार के, उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अगर उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन नहीं होता, आज की स्थितियां बद से बदतर हो गई होती। हल्द्वानी में पूर्व मंत्री इंदिरा रिद्धेश और मंत्री प्रसाद ने थाने जंगलों की आग पर केंद्र सरकार को दोषी ठहराया। बोले, केंद्र सरकार का ध्यान सरकार गिराने में है, न कि आग को बुझाने में। प्रदेश के पूर्व वन मंत्री दिनेश अग्रवाल ने साफ कहा कि उत्तराखंड के लोगों पर जंगलों में आग लगाने का आरोप लगाना गलत है। उनके अनुसार हम लोग पर्यावरण प्रेमी है, ना कि जंगलों में आग लगाएंगे। टिहरी में बीते 4 दिन से खैत पर्वत पर लगी आग को बुझाने के लिए एसडीआरएफ की 10 सदस्यीय टीम, पुलिस के 6 जवान सहित वन विभाग की टीम ने आग पर बड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उसके आसपास के वन क्षेत्र में बढ़ती आग की घटनाओं को देखते हुए वन्यजीवों के लिए एक रेस्क्यू टीम का गठन किया गया। पहाड़ों की आग पर समीक्षा करते हुए डीजीपी एमए गणपति ने कहा कि राहत की बात यह कि जंगलों में लगी आग में औसत कमी आ रही है। लगातार सभी विभाग संयुक्त प्रयास में लगे हैं। अल्मोड़ा में आग से 115 हेक्टेयर वन संपदा खाक। जिलाधिकारी ने लोगों से की आग बुझाने में मदद की अपील। साथ ही कहा, आग लगाने वाले के पकड़े जाने पर जेल के साथ अर्थ दंड भी लगाया जाएगा। पिथौरागढ़ वन विभाग का दावा है कि जंगलों में लगी आग पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। दावानल से आरक्षित वन के अलावा सिविल और पंचायती वन खासे प्रभावित हुए हैं। नैनीताल के जंगलों में आग लगने का सिलसिला कम नहीं हो रहा है। वनाग्नि तो देखते हुए अब स्कूली छात्रों ने भी आग से बचने के लिए बीड़ा उठा लिया है। हल्द्वानी के देवी मंदिर में लोगों ने पहाड़ों पर लगी आग भीषण गर्मी से प्रदेशवासियों को निजात दिलाने के लिए प्रसिद्ध देवी मंदिर में वर्षा यज्ञ किया है। चमोली के कर्णप्रयाग घाट जंगलों की आग के बाद हल्की बरसात हो रही है, जिससे जंगलों की आग बुझाने में बहुत मदद पहुंच गई है।